हेलो गाइस, तो आज मैं वाइन्स एंड कन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लेंसन और विंग जो रोमांस पे लग जाते हैं, विंग लेंसन जो एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो मैंने उस पर ही जोर दिया था। तो लेंसन विंग को किस कर रहा था और विंग लेंसन को किस कर रहा था, ये दोनों जो एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। विंग का हाथ जो लेंसन की प्राइमर पार्ट पर था, विंग धीरे धीरे अपना हाथ ट्राउज़र के अंदर कर देता है और लेंसन जो अपनी आंखें बंद कर देता है और विंग जो लेंसन को किस भी कर रहा था और लेंसन के प्राइवेट पार्ट पर अपना हाथ रब कर रहा था, लेंसन के प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था। लेंसन जो पूरी तरीके से हॉट हो जाता है और फिर लेंसन जो विंग के लिप को किस करना छोड़ देता है, विंग के नेक पर आ जाता है और विंग की शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। जैसे जैसे लेंसन नीचे आता है, विंग अपना हाथ लेंसन के प्राइवेट पार्ट से हटा देता है और फिर विंग जो लेंसन के बैक पर हाथ फिराता है। लेंसन ने अभी भी शर्ट पहनी थी, विंग लेंसन की शर्ट के ऊपर ही अपना हाथ फिराता है और फिर लेंसन जो विंग के चेस्ट को लिक कर रहा था, सक कर रहा था और धीरे धीरे लेंसन जो विंग की टमी पे आ जाता है और विंग जो सेक्सी आवाज़ निकालता है, विंग सेक्सी आवाज़ें निकालता है। तो लेंसन जो विंग के ट्राउज़र को विंग से हटा देता है, विंग जो नेकेड हो जाता है और लेंसन जो विंग की टांगों को एक दूसरे से अलग कर देता है और लेंसन जो विंग को देख रहा था, फिर लेंसन जो एक डेविल स्माइल करता है और फिर लेंसन जो विंग की डमी पर किस करता है, बाइट करता है और धीरे धीरे अपनी किसिंग नीचे की तरफ ले जाता है और विंग जो अपने बेडशीट पकड़ लेता है, विंग समझ जाता है कि लेंसन क्या करने वाला है। तो लेंसन जो विंग के साथ लव मेक करना शुरू कर देता है, विंग को बहुत ज़्यादा लिख करता है, सक करता है और विंग जो सेक्सी आवाज़ें निकालता है और अपने आप को कंट्रोल में करता है। विंग को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, विंग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और लेंसन जो विंग को देख रहा था, लेंसन विंग के साथ लव में फासले करने लग जाता है और विंग जो जोर जोर से सांसें लेने लग जाता है और फिर विंग लेंसन जो काफ़ी देर से विंग के साथ लव में कर रहा था, तो विंग सेटिस्फाई होने वाला था तो विंग जल्दी से लेंसन को अपने से हटा देता है और एक करवट पर हो जाता है और जोर जोर से सांसें लेता है, मतलब विंग सेटिस्फाई हो जाता है। तो विंग जो एक करवट पर था, तो लेंसन जो विंग को देख रहा था और फिर लेंसन जो विंग को उल्टा कर देता है और अपनी ट्राउज़र हटा देता है और विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है, विंग की कमर पर हाथ करता है और विंग की कमर को ऊपर कर देता है, विंग जो घुटनों के बल बैठ जाता है, विंग की बैक ऊपर हुई होती है और विंग ने अपना सर तकिए पर रखा होता है और लेंसन जो विंग के साथ इंटीमेट होता है, लेंसन खड़ा था बेड के करीब ही और विंग जो बेड पर ही था बट विंग उल्टा था, विंग घुटनों के बल झुका हुआ था और लेंसन जो विंग के साथ खड़े होकर इंटीमेट हो रहा था और विंग जो पहले बहुत पेन में था बट फिर धीरे धीरे विंग जो इंजॉय करता है, लेंसन विंग के बैक पर हाथ भी फिराता है, विंग की टमी पर हाथ फिराता है और विंग के चेस्ट पर हाथ लाता है, विंग के चेस्ट को पिंच करता है, रब करता है, विंग को पूरी तरीके से इंजॉय करवाता है और खुद ही भी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और इंजॉय कर रहा था। तो लेंसन जो फासली करने लग जाता है, विंग जोर जोर से सांसें लेता है और आउच आउच करता है और लेंसन जो आखिरकार सेटिस्फाई हो जाता है और वो विंग के बहुत क्लोज हो जाता है, विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और विंग में ही सेटिस्फाई हो जाता है और विंग जो जोर जोर से सांसें ले रहा था और फिर विंग जो अचानक से हंसने लग जाता है तो लेंसन विंग को देखता है और लेंसन बोलता है विंग क्या हुआ, तो विंग बोलता है कुछ नहीं, आज तुमने कुछ नया स्टाइल ट्राई किया, तो लेंसन बोलता है हाँ जब मैं जोश में आ जाता हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता है, मुझे बस फिर तुम्हारे साथ इंटीमेट होना होता है, फिर मैं नहीं देखता हूँ कि कौन सी जगह है और कैसे हम कर रहे हैं, ओके, तभी मैं ज़्यादा डरता हूँ अनकंट्रोल होने की वजह से और तुम्हें अपने से दूर रखता हूँ, तुम जब भी मुझे गलत जगह पर अनकंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जैसे कि सिनेमा हो गया या हमारा ऑफिस रूम का वॉशरूम हो गया, तो मुझे बहुत डर लगता है,
तो लेंस विंग स्माइल करता है और फिर लेंस विंग से हट जाता है तो विंग आउच करता है और बेड पर गिर जाता है और लेंस विंग जो विंग को देखता है और फिर लेंस विंग टिश्यू पेपर लाता है और विंग को क्लीन करता है। विंग बोलता है लेंस विंग मुझे तो मैं खुद ही कर लूँगा, तो विंग बोलता है नो मैं करता हूँ। तो विंग स्माइल करता है और लेंस विंग जो विंग को बहुत प्यार से क्लीन कर रहा था, तो विंग लेंस विंग को देखता है और फिर हमारा सीन कट होता है। हम अगला सीन दिखाते हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को हग किया होता है और लेटे होते हैं। विंग होता है लेंस विंग हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई, अब हमें कोई टेंशन नहीं है ना, अब मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ देखूंगा और ना तुम मुझे किसी और के साथ, और हमारे बेबी भी आने वाले हैं। तो लेंस विंग होता है हाँ बस 9 महीने, 9 महीने बाद फिर हम दोनों के बेबी होंगे, हमारे साथ सोएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना, रात को वो रोएंगे और तुम उनको फीडर बना के दोगे और मैं सोया रहूँगा। तो विंग बोलता है क्या फीडर मैं बना के दूंगा, तुम्हें पता है मुझे कोई नींद से जगाता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है, और तुम बोल रहे हो कि मैं उनके लिए रात आधी आधी रात को उठ कर फीडर बनाऊँगा और वो लोग हमारे साथ क्यों सोएंगे, मैं किसी को भी हम दोनों के बीच में नहीं आने दे सकता हूँ। तो लेंस विंग बोलता है विंग वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ नहीं सोएंगे तो किसी साथ सोएंगे। तो विंग बोलता है जो मांग रहा था उनके साथ सोएंगे। तो लेंस विंग बोलता है कौन, विंग बोलता है मामा। तो लेंस विंग बोलता है मामा से उनका दिन को केयर करेगी ओके, क्योंकि हम दोनों ऑफिस में होंगे तो मामा दिन को केयर करेगी और रात को हमें संभालना है। तो विंग बोलता है क्या तो दो दो बेबी को मैं अकेले, तो लेंस विंग बोलता है मैं भी हूँ, मैं भी संभालूंगा तुम्हारे साथ। तो विंग बोलता है लेंस विंग मुझे बच्चे संभालने नहीं आते हैं। तो लेंस विंग बोलता है विंग शुरू में हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी पर धीरे धीरे हम मामा से सीख लेंगे। तो विंग जो थोड़ा टेंशन में हो जाता है और थोड़ा अपसेट हो जाता है, तो लेंस विंग देख रहा होता है, तो लेंस विंग विंग के बालों पर हाथ फिराता है और विंग को बोलता है विंग अभी तो 9 महीने हैं, अभी से तुम इस बात को लेकर इतना अपसेट क्यों हो रहे हो, अगर तुम बच्चों को नहीं संभाल सकोगे तो मैं किसी सर्वेंट को रख दूँगा जो बच्चों की केयर कर सके ओके। तो विंग सर हिलाता है और स्माइल करता है, बताए हाँ ये आइडिया अच्छा। तो वे तो लेंस विंग बोलता है कि अभी टेंशन मत लो और इसी तरह स्माइल करते रहो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, तो अब कोई टेंशन नहीं। तो विंग फिर लेंस विंग को हग कर लेता है और लेंस विंग के लिप पर किस करने लग जाता है बहुत ब्रूटली, और लेंस विंग शॉक में हो जाता है और विंग जो लेंस विंग के ऊपर आ जाता है। तो ये दोनों जो फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, तो लेंस विंग विंग को हटाता है और बोलता है विंग क्या हुआ तुम अचानक से ऐसे जोश में कैसे आ गए। तो विंग अपनी आंखों को गोल गोल घुमाता है और बोलता है मैं तो तुम्हें देखता हूँ तो ऐसे ही जोश में ही आता हूँ, बहुत मुश्किल से अपने आप को मैं कंट्रोल में करता हूँ। तो लेंस विंग स्माइल करता है और विंग जो लेंस विंग की लिप को फिर से सक करने लग जाता है और विंग लेंस विंग के मुँह में अपनी टंग इंसर्ट करता है, मतलब अंदर करता है और अपनी टंग से लेंस विंग की टंग को अपने मुँह में ले लेता है और फिर सक कर रहा होता है। और लेंस विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि जब विंग लेंस विंग की टंग को सक करता है तो लेंस विंग की बॉडी जो पूरी वाइब्रेट करती है और लेंस विंग जो आंखें दर्द होने लगता है, तो इसी तरह इनका रोमांस दोबारा से शुरू हो जाता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह हो गई, विंग और लेंस विंग जो सोए थे तो लेंस विंग उठ जाता है, टाइम देखता है तो लेंस विंग के उठने का टाइम था। फिर लेंस विंग विंग को बोलता है विंग विंग उठो, तो विंग को बोलता है लेंस विंग तुम जाओ जितना नहा लो मैं जितना रेस्ट करता हूँ, तुम नहा लो तो फिर मैं जाके नहा लूँगा। तो लेंस विंग बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलूँ तो मुझे तुम्हें उठाना नहीं पड़े ओके। तो विंग बोलता है और विंग जो नींद में था, तो लेंस विंग स्माइल करता है और लेंस विंग बोलता है और अगर तुम और मैं वॉशरूम से निकला और तुम इसी तरह सोए रहे ना तो फिर जब तुम उठोगे तो तुम हॉस्पिटल में होगे। विंग अपनी आँखें खोलता है और विंग बोलता है क्यों, तो लेंस विंग बोलता है मैं तुम्हारा जेंडर बदल दूंगा। तो लेंस विंग तो विंग अचानक से बैठ जाता है और बोलता है क्या, तो लेंस विंग स्माइल करता है और लेंस विंग हंसता है। लेंस विंग बोलता है वाह तुम्हें उठाने का तरीका कितना अच्छा, अब जब भी तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें इसी तरह उठाऊंगा। तो विंग शॉक में होता है और विंग अपने घोड़े पर थप्पड़ मारता है और बोलता है ये मुझे रोजाना ऐसे ही जगाएगा इतना बड़ा शौक देकर। तो लेंस विंग जो वॉशरूम जा रहा था तो विंग जो लेंस विंग को देख रहा था और बोलता है इसने मेरी नींद ख़राब की, अब मैं इसको सुकून में नहीं छोड़ूंगा। अब लेंस विंग जैसे ही वॉशरूम जा रहा है तो पीछे से विंग आ जाता है और विंग जो लेंस विंग को वॉशरूम के अंदर पुश कर देता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और लेंस विंग जो शौक में हो जाता है। लेंस विंग बोलता है विंग तुम यहाँ, तो विंग बोलता है तुमने भी मुझे जगाया है तो अब तुम्हें मुझे भुगतना पड़ेगा।
तो लेंदन बोलते हैं हाँ, मुझे पहले नहा लेना चाहिए था, फिर उसको उठा लेता, मुझे पहले ही इसको उठाने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी कितना इडियट हूँ। और फिर लेंदन जो देखता है विंग को, तो विंग ने जो अपने आप को बिल्कुल निगेट कर दिया था और लगा था लेंदन की शर्ट के बटन को खोल रहा था, और लेंदन जो शौक में था, और विंग जो लेंदन की शर्ट को विंग लेंदन की बॉडी से हटा देता है, और विंग लेंदन को नेक पर किस करने लग जाता है। विंग लेंदन को नेक पर किस भी कर रहा था और लेंदन को पुश भी कर रहा था, शावर के नीचे ला रहा था, और विंग लेंदन को किस करते करते सब करते करते शावर के नीचे ले आता है और शावर ऑन कर देता है, और ये लोग जो शावर रोमांस करते हैं नहा भी रहे होते हैं और एक दूसरे को किस भी कर रहे होते हैं, और इसी तरह इनके रोमांस जो एक दफ़ा फिर से शुरू हो जाता है। तो अब हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं नीचे लंच मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, मम्मा लेंदन विंग बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो मम्मा जो खुश होती है स्माइल कर रही होती है, और लेंदन और विंग देखते हैं कि मम्मा का मूड बिल्कुल ठीक हो गया, मम्मा नॉर्मल हो गई, तो लेंदन और विंग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो फिर ये लोग ये तीनों जब अब खुशी खुशी रहते हैं, तो फिर विंग और लेंदन जैसे ही ऑफिस से निकल जाते हैं तो मम्मा इन दोनों को देख रही होती है, ये दोनों जो उसी तरह एक दूसरे को हाथ पर हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जा रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह पकड़ते हैं जैसे ही लोग बचपन से एक दूसरे को पकड़ते आते थे, उंगलियों में उंगलियां डाल के और टाइट करके पकड़ते थे। तो मम्मा इनका हाथ मम्मा देखती है कि विंग अभी भी लेंदन को उसी तरह ही प्यार करता है, तो मम्मा जो स्माइल करती है और यही सोचती है कि इतनी कोशिश की मैंने इन दोनों को दूर करने के लिए, इतनी मैंने कोशिश की इन दोनों को दूर करने के लिए, मैंने क्या कुछ नहीं किया, बट शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और ऐसा बोलकर फिर बोलती है कि अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी, अब इनको एक साथ ही रहने दूँगी, वैसे भी मुझे मेरे पोते तो मिल ही रहे हैं, मुझे बस वेट करना है। और फिर मम्मा उठती है जाती है कैलेंडर के पास और कैलेंडर के डेट पर टिक मार्क लगा देती है और बोलती है बस 9 महीने बाद फिर मेरे पोते आने वाले हैं, और मम्मा ऐसे बोल के स्माइल करती है, और इसी में हमारा सीन कट जाता है। हमें ऑफिसर सीन दिखाते हैं कि लेंदन और विंग जो ऑफिस में बैठे हैं, तो लेंदन ऑफिसर काम कर रहा है लैपटॉप पे लगा है, और विंग जो फाइल चेक कर रहा है, तो फिर विंग जो अपना काम ख़त्म करके फाइल्स रख देता है क्योंकि विंग का इतना काम नहीं होता है, तो विंग फिर आता है लेंदन के पास और लेंदन के सामने ही टेबल पर बैठ जाता है, और लेंदन को बोलता है लेंदन आज मूवी देखने जाए, जैसे ही विंग मूवी का बोलता है लेंदन शॉक में हो जाता है, लेंदन बोलता है विंग तुम्हें अचानक से मूवी कैसे याद आ गई, तो विंग बोलता है वैसे ही बहुत दिन हो गए हम सिनेमा नहीं गए हैं तो मैं जाना चाहता हूँ, तो लेंदन बोलते हैं हाँ ठीक है जाएंगे, बट मम्मा को भी साथ में लेके जाएंगे, तो विंग बोलते हैं क्या मम्मा को क्यों साथ में लेके जाएंगे, मैं मम्मा को नहीं लेके जाऊँगा, हम दोनों ही सिर्फ जाएंगे, तो लेंदन बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि तुम वहाँ क्या करते हो वो मुझे याद है, तो विंग बोलता है वो मैं पुराना विंग था अब मैं नया हूँ ओके, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तो लेंदन बोलता है सच में और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो विंग बोलता है लेंदन मैं भी इतना शेमलेस नहीं हूँ ओके, मुझे भी शर्म आती है, मैं भी तुम्हारे साथ सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो लेंदन विंग को देखता है और फिर लेंदन दिल में बोलता है लगते तो नहीं हो कि तुम बदले हो क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती है, और लेंदन विंग को देखता है और विंग जो एक नोटिस स्माइल करता है, और लेंदन फिर विंग को देखता है और लेंदन बोलता है विंग तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, तो लेंदन बोलता है मुझे तो कुछ शक हो रहा है मैं तुम्हारे साथ सिनेमा नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम्हें जो भी मूवी देखनी है मूवी का नाम बता दो हम लोग घर में देख लेंगे, तो विंग बोलता है बट मैं सिनेमा जाना चाहता हूँ, तो लेंदन बोलता है नहीं कोई सिनेमा नहीं, विंग जो लेंदन को गुस्से से देख रहा था, तो लेंदन बोलता है विंग तुम वहाँ मेरे साथ क्या करते हो तुम्हें पता है ना, याद तो है ना कि तुम भूल तो नहीं गए हो, तो विंग बोलता है मुझे तो नहीं याद मैं क्या करता हूँ, तो लेंदन बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो हाँ, तो विंग बोलता है लेंदन प्लीज़ ना चलो ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तो लेंदन बोलता है प्रॉमिस, विंग बोलता है हाँ जो मैं पहले करता था वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा ओके प्रॉमिस, तो लेंदन बोलता है सच में ना, तो विंग बोलता है हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मैं वहाँ पहले तुम्हें किस करता था ना और किसी करता रहता था अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा ओके, तो लेंदन बोलता है सच में ना तुम मुझे किस तो नहीं करोगे, तो विंग बोलता है नहीं, लेंदन बोलता है तुम्हें पता है जितनी मूवी चलती है ना तुम उस पूरे एक घंटे मुझे किसी करते रहते हो और सब लोग मुझे देखकर हंसते हैं मेरे लिप इतने सूज जाते हैं, तो विंग स्माइल कर रहा था हंस रहा था और बताए हाँ मैंने मुझे याद है कि किस तरह तुम्हारे लिप फिर सूजे हुए होते थे और तुम इतने फनी दिखते थे, तो विंग हंसने लग जाते हैं, तो लेंदन जो विंग को गुस्से से देख रहा था तो विंग बताए हाँ नहीं नहीं इस बारे सब कुछ भी नहीं करूँगा मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा ओके, तो लेंदन बताए सच में ना, तो विंग बताए प्रॉमिस आई स्वेयर
मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। तो लेंदेन स्नार करता है, लेंदेन बताए फिर ठीक है। तो फिर हमारा सीन कट होता है और हमें सिनेमा का सीन दिखाते हैं। अब गाइस मुझे पता है कि कोई कमेंट्स करेगा और बोलेगा कि सिनेमा में विंग लेंदेन के साथ क्या करता था, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप विंग का आप लोग कुछ नया रूप देखोगे। विंग ने लेंजन को ये तो बोल दिया कि मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा, बट विंग अब करेगा क्या वो तो लेंजन को पता ही नहीं है कि लेंजन की शामत आने वाली है। तो विंग और लेंजन जो सिनेमा जाते हैं और मामा को कॉल करके बता दिया होता है कि हम थोड़ी देर से आएंगे, तो आप मामा हमारा वेट मत करना। तो मामा जो बोलती है ठीक है। तो फिर हमें दिखाते हैं विंग और लेंजन, विंग जो मामा के साथ बात ही कर रहा है और लेंजन ने जो मूवी की टिकट ले लिए है और आता है विंग के पास। तो विंग जो मामा के साथ ही बात कर रहा था, विंग देखता है कि लेंजन आ गया, तो विंग मामा को बताए ओके मामा आप खाना खा लेना और हमारा वेट मत करना, ओके हम देर से आएंगे। तो मामा जो बोलती है ओके, विंग जो मोबाइल काट देता है और लेंजन को देखता है और बोलता है टिकट मिल गई। तो लेंजन बोलता है हाँ मिल गई। तो विंग बताए चले। तो लेंजन बोलता है विंग तुमने इस बार तो कुछ अलग से ही मूवी सेलेक्ट की है, ये क्यों, ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तो विंग बोलता है हाँ ये एक्शन मूवी है, क्योंकि एक्शन मूवी होगी तो लोगों का फोकस हम पर नहीं होगा। तो विंग ऐसा गलती से बोल देता है। तो लेंजन विंग को देखता है, लेंजन बोलता है क्या बोला तुमने अभी। तो विंग शौक में जाता है, विंग बोलते एक्शन मूवी, मेरा एक्शन मूवी देखने का दिल कर रहा है। तो विंग लेंजन बोलते नहीं नहीं तुमने कुछ और बोला। तो विंग बोलते लेंजन मूवी स्टार्ट हो गई, अच्छा अच्छा चलते चलते। विंग जो लेंजन की बात को काट देता है और लेंजन को खींचते हुए ले जाता है और लेंजन यही बोलता है विंग तुमने अभी कुछ बोला था। तो विंग बोलते हाँ हाँ मैं यही बोला था कि एक्शन मूवी है तो सबका फोकस मूवी पर ही होगा, तो हमारा भी फोकस, मेरा फोकस मूवी पर होगा, तो मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। तो लेंजन बोलते हैं मतलब तुम्हारा इरादा था मेरे साथ मुझे तंग करने का। तो विंग बोलता है नहीं मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया है, मैं प्रॉमिस तोड़ सकता हूँ क्या। लेंजन विंग को देखता है और विंग जो लेंजन को देख रहा था क्यूट सा फेस बनाया था। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन बताए विंग तुमने प्रॉमिस किया था ओके, तो तुम मुझे किस नहीं करोगे। तो विंग बोलता है हाँ नहीं करूँगा, किस तुम्हें कौन करेगा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना जो मैं पहले करता था वो मैं नहीं करूँगा, तो फिर तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो लेंजन विंग को देखता है, अब लेंजन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है कि विंग क्या कर सकता है और लेंजन जाता है। तो लेंजन ने जो वही सीटें सेलेक्ट की थी जो कि ये लोग डेली करते थे सबसे लास्ट वाली। तो लेंजन जाता है, लेंजन के आसपास की सीटें सारी खाली होती हैं, आगे ही काफ़ी लोग बैठे होते हैं। तो लेंजन बताता है विंग तुमने मुझे इसी सीट की टिकट लेने को क्यों कहे, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं ना, वैसे भी कोई नहीं है। तो विंग बोलता है नहीं यही सीट ठीक है, आगे देखो काफ़ी लोग हैं, तो हम मैं शुरू से यहीं पर बैठता हूँ तो यही ठीक है। तो वहाँ पे जो सिनेमा में तो अंधेरा ही होता है, तो ये लोग जो बैठ जाते हैं और पॉपकॉर्न और जूस वगैरह जो लाए होते। तो अब मूवी स्टार्ट हो गई है, अब सब जो मूवी को ही देख रहे हैं, लेंजन जी मूवी देख रहे हैं क्योंकि लेंजन को भी एक्शन मूवी अच्छी लगती है। तो लेंजन जो देख रहा था और विंग जो मूवी को देखते देखते फिर विंग जो लेंजन को देखने लग जाता है, लेंजन का पूरा फोकस मूवी पर ही था। और फिर विंग लेंजन के हाथों के ऊपर हाथ रख देता है, लेंजन जो मूवी ही देख रहा था। तो विंग जो स्माइल करता है नोटिसी और फिर विंग जो अपनी हरकतों पर आ जाता है और विंग जो लेंजन का हाथ टाइट करके पकड़ लेता है, जैसे कि वो लोग जैसे कि ये दोनों अक्सर पकड़ते हैं उंगलियों में उंगलियाँ डालकर टाइट करके पकड़ लेते हैं। तो विंग जो ऐसे ही पकड़ लेता है तो लेंजन भी विंग का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है विंग हमेशा लेंजन का हाथ इस तरह पकड़ता रहता है। तो लेंजन उस टाइम विंग का हाथ पकड़ लेता है टाइट करके, तो अचानक से विंग जो लेंजन की फिंगर से हाथों को हटा देता है और विंग लेंजन के हाथों पर फिंगर फिराता है और विंग और लेंजन की लेंजन को जो गुदगुदी हो रही थी विंग एक दफ़ा फिंगर फिराता है लेंजन के हाथ पर, लेंजन की थली पर मतलब हाथों पर, लेंजन की कलाई पर फिंगर फिराता है। तो लेंजन को गुदगुदी होती है, तो विंग दोबारा से करता है। तो लेंजन जब देखता है ये विंग क्या कर रहा है, तो लेंजन फिर विंग को देखता है और विंग जो एक नोटिस स्माइल करता है। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर विंग जो करीब हो रहा था लेंजन के और लेंजन को किसी करने वाला था, बट लेंजन अपने आप को पीछे कर देता है और बोलता है विंग तुमने कहा था मैं किस नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है किस कौन कर रहा है, मेरा तो बाइट का इरादा है। तो लेंजन बोलता है क्या, तो विंग बोलता है हाँ। तो लेंजन बोलता है विंग सब लोग देख रहे हैं, तो विंग देखता है विंग बोलता है
सबका फोकस तो मुझ पर है, सही कहूँ तो तुम्हारा भी अभी तक फोकस मुझ पर ही था। तो विंग लेंजन को देखता है और फिर लेंजन विंग को बताया, विंग तुमने कहा था मैं वो नहीं करूँगा जो मैं पहले करता था। तो विंग बोलते हाँ मैं तो भूल गया, आई एम सॉरी लेंजन, आई एम सो सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं वो नहीं करूँगा जो मैं पहले करता था। ओके तो लेंजन रिलैक्स हो जाता है, लेंजन बोलता है थैंक गॉड, और फिर लेंजन स्माइल करता है। तो विंग जो लेंजन का हाथ पकड़ लेता है और लेंजन के हाथों पर किस करता है और बताए मैं भी तुम्हें लिप पर किस नहीं करूँगा, मैंने प्रॉमिस किया था ना। तो अभी लेंजन सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। तो लेंजन ऐसा बोल देता है। तो अभी जो लेंजन के हाथों पर किस करते करते लेंजन के फिंगर पर किस करने लग जाता है और लेंजन की वो जो हाथों में सबसे लंबी वाली उंगली नहीं होती, वहीं जो लेंजन की उस फिंगर को पहले लेक करता है। अब लेंजन ये देखता है तो लेंजन की पूरी बॉडी जो हॉट हो जाती है। और फिर लेंजन और फिर विंग जो उस फिंगर को अपने मुंह में डाल देता है और उसको सक करने लग जाता है। और लेंजन जो अपना हाथ उठाता है और बोलता है विंग छोड़ो मेरे हाथों को, तुम क्या कर रहे हो। तो विंग जो लेंजन के हाथों को टाइट करके पकड़ लेता है, लेंजन के हाथों टाइट करके पकड़ लेता है और लेंजन के फिंगर को उसी तरह सक कर रहता है। तो लेंजन जो अपना हाथ जोर से खींच लेता है। तो विंग जिसकी आंखें नशे में आ गई, मतलब जिसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि ये अनकंट्रोल हो गया है, तो लेंजन विंग को पता है विंग होश में आओ मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो विंग जो लेंजन के सामने आ जाता है और नीचे बैठ जाता है और लेंजन विंग को देखता है, लेंजन पता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। और विंग जो नीचे घुटने के ऊपर बैठा होता है, इनके आसपास कोई भी नहीं होता है, आसपास की सारी सीटें खाली होती हैं, सिर्फ आगे की सीटों में लोग बैठे होते हैं। विंग ने ऐसी ही फिल्म सेलेक्ट की होती है जो हाउसफुल ना हो, विंग ने पहले पता किया होता है कैसी कौन सी फिल्म है जिसके ज़्यादा टिकट बुक नहीं हुए हैं। तो विंग को जो मूवी का पता चल जाता है तो विंग जो फिर लेंजन को इसी मूवी का नाम बताता है और लेंजन जो विंग की पसंद की मूवी की टिकट लाता है। तो विंग का इरादा यही करने का था, लेंजन को सिनेमा में तंग करने का। तो अब हम फैन फिक्शन पर आते हैं। तो विंग जो घुटने के ऊपर बैठा था और बिल्कुल सिनेमा में अंधेरा ही था, सिर्फ आगे की तरफ लोग बैठे थे और वो बहुत एक्शन हुई थी तो बहुत ज़्यादा शोर था, बिल्कुल ध्रजा ध्रजा फायरिंग धमाका जैसे बम ब्लास्ट ऐसी मूवी विंग ने सेलेक्ट की थी। तो जो सिनेमा में बहुत शोर शुरू हो जाता है तो लेंजन विंग को इशारे से बोलता है विंग उठो और विंग के शोल्डर पकड़ता है, विंग को उठाता है, बट विंग कहाँ उठने वाला था। विंग जो लेंजन की बेल्ट को खोलने लग जाता है और लेंजन की पैंट को खोलने लग जाता है, लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है, लेंजन बोलता है विंग पागल हो गए हो क्या, और विंग जो लेंजन के हाथों को हटाता है और लेंजन की बस पैंट खोलना चाहता है और लेंजन जो बिल्कुल भी विंग को खोलने नहीं देता है। लेंजन बोलता है विंग अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया ना तो ये लास्ट टाइम होगा मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने आया हूँ। तो विंग बोलता है चलेगा। तो लेंजन बोलते हैं हाँ मैं फिर कभी भी तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं आऊँगा। लेंजन तो विंग बोलते हैं ठीक है। तो लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, विंग मैं अनकंट्रोल हो जाऊँगा। तो विंग बोलता है मैं हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो विंग लेंजन को बोलता है लेंजन क्या तुम्हें नहीं है पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग तुम क्या पागल हो गए हो। विंग बोलता है लेंजन तुम्हें देखता हूँ तो मैं वैसे ही पागल हो गया हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग तुमने कहा था मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है मैंने तुम्हें सिर्फ किसका कहा था कि मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। तो लेंजन जो विंग को इतनी डरी हुई नज़र से देखता है, लेंजन बोलता है विंग लोग देख लेंगे क्यों मेरी इज्जत का कचरा बना रहे हो। तो विंग बोलता है लेंजन कोई नहीं देखेगा, देखो सबको सब मूवी देख रहे हैं, एक्शन मूवी है, फनी मूवी है, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और अभी तो मूवी ख़त्म होने में बहुत टाइम है। तो लेंजन विंग को देखता है और लेंजन बोलता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या। और विंग जो अपने हाथ लेंजन की बेल्ट की तरफ ले आता है और लेंजन की बेल्ट को खोल रहा होता है, पैंट की बेल्ट को, और लेंजन जो विंग को नहीं छोड़ता है, लेंजन बोलता है विंग अपने हाथ को हटाओ। विंग एक हाथ लाता है बेल्ट को तो विंग लेंजन वो हाथ पकड़ लेता है, तो विंग दूसरे हाथ से बेल्ट खोलता है और लेंजन वो हाथ पकड़ लेता है तो विंग पहले वाले हाथ से खोलता है, मतलब इसी तरह ये लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं। ना विंग हार मानता है और ना लेंजन, इस तरह ये लोग लेंजन जो अपनी बेल्ट को हाथ लगाने नहीं देता है और विंग जो आज बेल्ट खोल के ही रहेगा। तो लेंजन विंग को बोलता है विंग हटो मुझसे विंग, और लेंजन विंग ने जो एक डेविल स्माइल फेस पे ली होती है और बोलता है मतलब नहीं। तो विंग लेंजन विंग को शॉकिंग नज़र से देखता है, लेंजन बोलता है विंग पागल हो गया है और विंग जो लेंजन की पैंट के बटन खोल देता है। लेंजन इतनी शॉक में था और लेंजन जो विंग का हाथ पकड़ रहा था बट विंग फिर भी अपने ही कर रहा था, लेंजन के इतने मना करने के बावजूद विंग लेंजन की पैंट भी खोल देता है
और जिप भी खोल देता है और लंदन जो शौक में था और फिर वही जो लंदन के टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और लंदन को कमर से पकड़ लेता है और खींच कर अपने करीब कर देता है। और लंदन जो ये देखता है, लंदन शौक में था, लंदन बोलता है विंग विंग पागल हो गया हो क्या, हम लोग घर जा रहे हैं ना, घर में कर लेंगे सब कुछ। तो विंग बोलता है यहाँ जितना मज़ा आएगा उतना घर में कहाँ, मैं तुम्हारे फेस में कुछ अलग फीलिंग देखना चाहता हूँ, तुम्हारे फेस में एंजॉय के साथ साथ डर भी देखना चाहता हूँ। तो लंदन बोलता है विंग तुम कितने बुरे हो। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है क्या करूँ मैं हूँ ही ऐसा। तो लंदन को गुस्सा आता है, लंदन बोलता है छोड़ मुझे, और लंदन जो खड़ा हो जाता है तो विंग जो उसको झटक से बिठा देता है और लंदन जो शौक में था फिर लंदन जो फिर से खड़े होने की कोशिश करता है, विंग से अपने आप को बचा के लंदन फिर से खड़े होने की कोशिश करता है तो विंग जो लंदन के प्राइवेट पार्ट को आखिर पकड़ लेता है। और जैसे ही वो पकड़ लेता है तो लंदन शौक में हो जाता है और फिर लंदन जो सब लोगों को देख रहा होता है, सब लोग मुँह ही देख रहे थे, तो विंग जो लंदन को बोलता है लंदन तुम आराम से आवाज़ें निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की आवाज़ नहीं सुनेगा, देखो तो मैंने सीट ही दूर ली है सबसे दूर ताकि हमें कोई ना देख सके, अगर किसी ने पीछे मुड़ के देख भी लिया तो अंधेरे की वजह से किसी को कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो तुम डरो मत। तो लंदन विंग को देखता है और वह विंग जो झुक जाता है और लंदन के फेवरेट पार्ट को लिक करना शुरू कर देता है और लव मेक करना शुरू कर देता है। और फिर लंदन विंग जैसे ही विंग लव मेक करना शुरू कर देता है तो लंदन जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और बिल्कुल भी सेक्सी आवाज़ें निकालने से अपने आप को रोकता है ताकि मेरे मुँह से कोई ऐसी वैसी आवाज़ ना निकल जाए, अगर किसी ने आवाज़ सुन ली तो वो पीछे ज़रूर देखेगा। और लंदन जो सब लोगों को भी देख रहा था और अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था, विंग लंदन के साथ फिर स्लोली लव मेक करता है, लंदन ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है और उसने अपने मुँह पर हाथ रखा था और विंग जो लंदन को देखता है और विंग एक नोटिस स्मार कर रहा है और लंदन विंग को देखता है, लंदन विंग की आंखों को देखता है और फिर लंदन दिल में बोलता है इसकी ये आंखें कैसे नशे में हैं, मुझे तो इससे डर लग रहा है ये अब कुछ और ना कर ले। और लंदन जो विंग को देख रहा था और विंग जो स्माइल कर रहा था लंदन को देख रहा था और लव मेक भी कर रहा था और लंदन ने जो अपने मुँह पर हाथ रखा था और अपने आप को अनकंट्रोल होने से रोक रहा था, विंग जो फिर फास्टली लव मेक करने लग जाता है और लंदन की आंखें तो इतनी बड़ी बड़ी खुल जाती है और फिर लंदन जो विंग को देखता है और विंग लंदन को और विंग लव मेक भी कर रहा था। तो ऐसे में हमारा सीन कट हो जाता है कि लंदन जो सिनेमा के बाहर आ जाता है और लंदन जो गुस्से से आगे जा रहा था तो विंग उसके पीछे पीछे, तो लंदन तो विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था और विंग यही बोलता है लंदन तुम अपसेट क्यों हो, तुम गुस्सा क्यों हो। तो लंदन रुक जाता है और बोलता है गुस्सा क्यों हो, विंग तुम जगह नहीं देखते हो, बस कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो। तो विंग बोलता है कौन देखता, सिनेमा में अंधेरा था। तो लंदन को गुस्सा आ जाता है और लंदन बोलता है विंग मुझसे बात मत करो और ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारे साथ सिनेमा में आ रहा हूँ, तुमसे तो मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं आऊँगा। तो लंदन ऐसा बोलकर फिर से आगे की तरफ जाने लगता है तो विंग जो लंदन को देखता है और विंग बोलता है ओके ओके सॉरी बोलता हूँ अब तो माफ़ कर दो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। तो विंग लंदन वो जा भी रहा होता है, बोलते हैं हाँ तुम इसी तरह बोलते हो जब भी ऐसा गलती करके कर लेते हो, फिर जब मैं तुम्हें डांटता हूँ तो तुम आगे से यही बोलते हो कि दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, बट जब तुम अगली बार करते हो तो कुछ अलग ही करते हो, वो काम नहीं करते हो उससे भी बढ़कर कुछ करते हो। तो विंग जो स्माइल करता है तो लंदन देखता है कि विंग स्माइल कर रहे हैं तो लंदन बोलता है विंग ये तुम कोई अच्छा काम नहीं करते हो ओके, हर जगह पर मुझे अनकंट्रोल मत किया करो। तो विंग बोलता है लंदन अगर तुम अनकंट्रोल हो भी गए तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। तो लंदन बोलता है विंग सिनेमा ये काम करने के लिए था क्या, तुम इसलिए आए थे, तुमने तो मूवी थोड़ी सी भी नहीं देखी। तो विंग बोलता है हाँ ये मूवी मैंने काफ़ी बार देखी थी इसलिए मैं इससे बोर हो गया था। तो लंदन बोलता है तुम फिर क्यों लेकर आए मुझे यहाँ। तो विंग बोलता है तुम्हारे साथ मस्ती करने के लिए। तो लंदन बोलता है ये मस्ती हम घर में भी तो कर सकते थे ना, रूम में आराम से ताकि किसी बात का कोई डर ना हो। तो विंग बोलता है बट इसमें मज़ा कहाँ। तो लंदन बोलता है विंग तुम्हें तो कुछ बोलना अपना सर पत्थर पे मारने के बराबर है। और लंदन ऐसा वो क्या के जा रहा था तो विंग जो बोलते हैं ओके ओके अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लंदन बोलते हैं हाँ अब तुम ऐसा नहीं करोगे, अब तुम इससे भी अलग कुछ करोगे, पता नहीं अब क्या करोगे। तो विंग बोलता है अब कुछ भी नहीं करूँगा ना। तो लंदन बोलता है विंग मुझसे बात मत करो। और लंदन जा रहा होता है
तो विंग देख रहा होता है कि लेंदन अपसेट है। अभी विंग देखता है क्या है लेंदन कहाँ जा रहे हैं, तो जब विंग देखता है तो विंग एक देव स्माइल करता है। लेंदन जो वॉशरूम जा रहा था, तो विंग जब देख लेता है कि लेंदन वॉशरूम जा रहा है, तो विंग के अंदर की शैतानियत जो जाग जाती है फिर से। अभी इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं था क्योंकि मूवी अभी भी चल रही थी, ये लोग मूवी के बीच में से उड़ गए थे, तो कोई भी नहीं था, सब मूवी देख रहे थे। तो विंग जो फिर एक देव स्माइल करता है और लेंदन के पीछे जाता है, और लेंजन जो वॉशरूम के अंदर जाता है और एक वॉशरूम के अंदर चला जाता है। और जैसे ही लेंजन एक वॉशरूम के अंदर चला जाता है, वो गेट बंद करने वाला होता है कि अचानक से उस गेट को अचानक से लेंजन के वॉशरूम के गेट को कोई पुश कर देता है और एक पर्सन जो अंदर चला अंदर आ जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। लेंजन देखता है तो लेंजन बोलता है विंग तुम यहाँ बाहर निकलो, तो विंग जो लेंजन को पुश कर देता है और लेंजन को दीवार पर पुश कर देता है और लेंजन को कैद कर लेता है और बोलता है लेंजन तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों हर जगह पर प्यार करता हूँ, ताकि हर जगह पर हमारी यादें हो, ताकि तुम कभी भी यहाँ आओ तो तुम्हें मैं याद आऊँ, मेरा ये प्यार याद आए। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन बोलता है अच्छा अगर तुम कहना क्या चाहते हो, तो विंग बोलता है इंसान मौत का कुछ पता नहीं लगता, अगर मैं मर गया तो तुम कम से कम मुझे और मेरे इस प्यार को याद तो करोगे। तो लेंजन गुस्सा हो जाता है, लेंजन बोलता है विंग तुमने ऐसे क्यों कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं नहीं जी पाऊँगा। तो विंग लेंजन को देखता है और विंग बोलता है लेंजन मौत बोलकर नहीं आती है ओके, तो अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ अपनी लाइफ अच्छे से गुजारना ठीक है। तो लेंजन बोलता है विंग मैं तुमसे ऑलरेडी इतना अपसेट हूँ, तो तुम ऐसी बातें करके ना मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तो लेंजन विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है आ हाँ अभी तो नहीं आई है ना मौत, तो मैं अभी अपने लेंजन को बहुत प्यार करना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग मैं घर जाना चाहता हूँ, हम घर पे करेंगे जो करना है। तो लेंजन बोलता है घर पे कर करके मैं बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ नई जगह पर करना है। तो लेंजन बोलता है अच्छा तुम्हें नई जगह पर करना है और ये है तुम्हारी वो नई जगह वॉशरूम, देखो तो कितना बकवास वॉशरूम है। तो विंग वॉशरूम देखता है और विंग बोलता है वॉशरूम मत देखो लेंजन मुझे देखो, मेरे प्यार को देखो, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग ये तुम्हें इतनी फ्लर्टी बातें आ जाती कहाँ से आ जाती है तुम्हारे दिमाग में। तो विंग स्माइल करता है और विंग बोलता है जब भी तुम्हें देखता हूँ तो पता नहीं ये बातें खुद ब खुद मेरे मुँह पर आती हैं, मुझे खुद ही भी यकीन मुझे खुद ही पता नहीं होता है कि आखिर ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मेरा दिल जो चाहता है मैं वही तुम्हें बोल देता हूँ। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन जो एक स्मॉल से स्माइल करता है और बोलता है विंग तुम बिना। तो लेंजन जब स्माइल करता है तो विंग देखता है कि लेंजन स्माइल कर रहा है, तो विंग लेंजन को किस करने लग जाता है और लेंजन जो शौक में था और फिर विंग जो लेंजन को किस करने लग जाता है सब करने लग जाता है और लेंजन की टंग को शक करता है। जैसे ही लेंजन की टंग को शक करने लग जाता है लेंजन जल्दी से विंग को अपने से दूर करता है और बोलता है विंग अभी अभी इस वॉशरूम से बाहर निकलो, मुझे तुम यहाँ अनकंट्रोल कर रहे हो फिर तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो विंग बोलता है मैं तभी तो तुम्हारे साथ यहाँ कर रहा हूँ ताकि तुम, तो लेंजन बोलता है विंग बाहर निकलो और लेंजन जो विंग को बाहर निकाल रहा था और विंग जो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो फिर हमें वॉशरूम के बाहर का सीन दिखाते हैं कि लेंजन इसी तरह विंग को चीख रहा था कि विंग छोड़ो मुझे, विंग मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, निकलो बाहर छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे, नहीं यहाँ नहीं लेंज विंग यहाँ नहीं। और विंग जो लेंजन को तंग कर रहा था, अब हमें ये नहीं पता कि लोग अंदर क्या कर रहे हैं ओके, हमें से बाहर आवाज़ें ही आ रही हैं। तो अब हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अब घर का सीन दिखाते हैं, लेंजन और विंग घर आते हैं। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और विंग लेंजन को बहुत गुस्सा आता है, विंग जो नोटिस स्माइल कर रहा है और आ रहा होता है लेंजन का हाथ पकड़ कर और लेंजन जो विंग के हाथों को छोड़ अपने से हटा रहा होता है, बट विंग ने जो टाइट करके पकड़े हुए थे वो कहाँ छोड़ने वाला था। तो इसी में मम्मा जो सामने ही बैठी होती और मम्मा बोलती आ गए तुम दोनों, तो लेंजन और विंग पे आते हैं मम्मा के पास बैठ जाते हैं और विंग बोलते हैं मम्मा आपने खाना खाया, तो मम्मा बोलती हाँ मैंने खा लिया, तुम लोगों ने खाया। तो विंग लेंजन को देखता है और फिर लेंजन जो मुँह बनाया होता है, लेंजन का मूड बहुत ख़राब होता है क्योंकि विंग ने लेंजन को बहुत तंग किया। तो विंग बोलता है मम्मा मैंने को जो खाना था मैं तो खा लिया, पर मेरे ख्याल में लेंजन ने कुछ नहीं खाया, लेंजन को भूख लगी है। तो मम्मा लेंजन को देखती है और मम्मा बोलती है लेंजन तुम वो बाहर गए थे घूमने के लिए तो तुम उन्होंने कुछ खाया कि नहीं। तो लेंजन विंग को देखता है और गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं खाना खा ही लेते हम लोग अगर। तो विंग शॉकिंग नजर से लेंजन को देखता है कि क्या ये मम्मा को बोलने वाला है। तो लेंजन से बोलता है अगर
अगर भी मुझे कुछ खाने देता मोम, क्योंकि ये बोला था कि घर जाते हैं मम्मा के साथ ही बैठ के खाएंगे। अब ने खाना खा लिया, अब हमें अकेले खाना होगा। तो मम्मा बोलती है इस ओके मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँगी। ओके, फिर मम्मा सर्वेंट को आवाज़ लगाती है कि सर्वेंट खाना लगाओ, विंग ने खाना नहीं खाया है। तो सर्वेंट बोलता है ओके, और फिर ये लोग खाना खा रहे थे। मम्मा जिनके साथ बैठी होती है सिर्फ इनको देख रही होती, और विंग जनरल को देख कर नोटिस माया करता है, और लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा होता है। तो ऐसे में हमारा सीन कट जाता है, हमें रूम का सीन दिखाते हैं, रात का सीन दिखाते हैं। लेंजन जो विंग को कहता है, विंग तुमने रात की कसर निकाल दी, ओके, सिनेमा में और सिनेमा की वॉशरूम में, अभी तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सो जाओ आराम से। तो विंग बोलता है क्या तुमने वहाँ पर मुझे कहा था कि हम घर पर करेंगे। तो लेंजन बोलता है विंग तुमने मुझे क्या समझ रखा है, ज़रा मुझे बताओगे। तो विंग बोलता है मतलब तुम मुझसे बोर हो गए। और फिर विंग जो अपसेट हो जाता है, तो लेंजन देख रहा था। तो लेंजन बोलता है विंग क्या हुआ। तो विंग बोलता है तुम मुझसे बोर हो गए। और फिर विंग जो अपने दिल पर हाथ रख देता है, तो लेंजन देख रहा था। लेंजन बोलता है विंग मजाक कर रहा था। तो विंग बोलते क्या तुम मुझसे प्यार करोगे आज। तो लेंजन बोलते हाँ हाँ करूँगा। लेंजन टेंशन में हो जाता है। तो विंग बोलता है जो तुमने गल किया था मेरे साथ क्या तुम आज करोगे। तो लेंजन बोलते हाँ विंग जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, तुम ठीक तो हो ना। तो लेंजन फिर विंग स्माइल करने लग जाते हैं, बोलते हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था। तो फिर विंग लेंजन देखता है कि ये नौटंकी कर रहा था। तो लेंजन बोलते हैं विंग, और लेंजन को जो गुस्सा आ जाता है। तो विंग जो स्माइल कर रहा था, और विंग जो फिर लेंजन के ऊपर आ जाता है, और लेंजन जो बोलता है विंग दूर रहो, तुम बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगे हो आजकल, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। विंग बोलता है अभी तो तुमने कहा था कि मैं करूँगा, तो अब जब तुमने कहा था तो अब चलो शुरू हो जाओ। तो लेंजन बोलता है तुम मुझे क्या करने को बोले हो, सब मैंने तुम्हारे साथ कर। और फिर विंग लेंजन बोलता है अच्छा तो तुम वो चाह रहे हो। तो विंग नोटिस माया करता है और सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ उसमें बहुत मज़ा आता है। तो लेंजन बोलता है अच्छा तो तुम मुझ पर ज़बरदस्ती वो करवाओगे। तो विंग बोलता है क्या ज़बरदस्ती वो होता है। तो लेंजन शौक में जाता है, बोलता है अगर मैंने इसको बोल दिया कि ज़बरदस्ती भी होता है तो ये तो वो ट्राई करेगा। तो लेंजन फिर बोलता है इसको ना बता के ही मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। लेंजन बोलता है नो विंग अब वो कहाँ ज़बरदस्ती होता है, ज़बरदस्ती करोगे तो अगर बाइट कर दिया तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो विंग फिर मुँह बना लेता है और बोलते हाँ सही बोला लेंजन तुमने, अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती वो करवाया और उसने अगर बाइट लव मेक की जगह बाइट कर दिया तो बहुत दर्द होगा। तो विंग लेंजन को देख, तो विंग जो बहुत बुरा फेस बना लेता है, तो विंग को ऐसा फील होता है कि किसी ने वहाँ बाइट कर दिया। तो विंग ऐसे ही मुंह बना लेता है, लेंजन विंग को देखता है। और फिर लेंजन बताए अगर तुम्हारा मूड हो रहा है तो मैं कर लूँगा। तो फिर विंग बताए लेंजन कहीं तुम्हारा बाइट का तो इरादा नहीं है ना। तो लेंजन स्माइल करता है और लेंजन बताए नहीं बाइट नहीं करूँगा, तुम तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते हो, मैं तुम्हें क्यों बाइट करने लगा। और मुझे तो आज तुमने सिनेमा में और सिनेमा के वॉशरूम में बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, तो मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। विंग आओ आओ लेटो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। तो विंग बोलते नहीं 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 रहने दो मेरा मूड नहीं है। तो लेंजन बोलते नहीं नहीं विंग मेरा विंग का मूड हो रहा था तो अब तो मैं करूँगा। तो विंग बोलते नहीं 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 रहने दो विंग रहने दो लेंजन मेरा मुझे नहीं करना है। तो विंग जो लेंजन जो विंग को नीचे कर देता है, विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को बोलता है विंग मैं अभी अपने विंग के साथ करता हूँ जो मेरा विंग मांग रहा था। तो विंग बोलते हैं लेंजन मैं सच में नहीं चाह रहा हूँ, मैं सच में मजाक कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए। तो लेंजन बोलता है मैं तो करूँगा। तो लेंजन जो फिर विंग के शर्ट की बटने को खोलने लग जाता है और विंग जो बट लेंजन ज़बरदस्ती करता है और लेंजन स्माइल भी करता है कि विंग के साथ डर रहा है, लेंजन को मज़ा आ रहा है। तो विंग बोलता है लेंजन नहीं लेंजन, और लेंजन जो विंग की ट्राउज़र को हटा देता है और विंग की टांगों को दूसरे से अलग कर देता है। विंग बोलता है नहीं, और फिर जो इनका लव मैरिज शुरू हो जाता है। तो अब हम इनका इधर छोड़ देते हैं और हम रूम के बाहर आ जाते हैं। तो विंग जो जोर जोर से सांसें ले रहा था, सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकाल रहा था, तो इसी में फिर विंग जो आउच की आवाज़ें निकाल देता है। अब हमें नहीं है पता कि अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो इसी में हमें मम्मा के रूम का सीन दिखाते हैं। मम्मा जो अपने रूम में अपने बेड पर बैठी हुई होती है और अपने हस्बैंड की पिक देख रही होती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की इन दोनों को अलग करने में, पर शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, अब मैं कोई कोशिश नहीं करूँगी, इनको इनके ही हाल पर छोड़ देती हूँ क्योंकि ये लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और मम्मा जो अपने हस्बैंड की पिक को हक करके सो जाती हैं और
बहुत अवसर होते हैं। तो इसी में हमें लेंजन और विंग का रूम दिखाया जाता है। विंग जो लेंजन को बोलता है, लेंजन तुमने मुझे बाइट आखिर कर ही दिया ना, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो विंग लेंजन बोलता है, तो क्या करता अब तुम कभी मुझ पर यह नहीं करवाओगे। विंग बोलता है, नहीं करना था तो मुँह से बोल देते ना कि मुझे नहीं करना है। एक तो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और फिर मेरी सारी मैं इतना अच्छा इन्जॉय कर रहा था और तुमने आखिर में मेरी सारी इन्जॉयमेंट को इन्जॉयमेंट पर पानी फेर दिया। तो लेंजन इंस्पायर करता है और लेंजन बोलता है, तुम इसी लायक हो विंग क्योंकि तुमने मेरा जीना हराम करके रखा है। तो विंग बोलता है, लेंजन अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे तुम्हारी जान छूट जाएगी तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटने वाली, क्योंकि अब तुम मेरे साथ कर रहे थे, अब मेरी बारी है। तो लेंजन बोलते हैं, क्या? तो विंग बोलते हैं, हाँ। अब विंग लेंजन के ऊपर आ जाता है। लेंजन बोलता है, विंग विंग प्लीज़ मुझे नींद आई है, मुझे माफ़ करो। तो विंग बोलता है, हाँ तो ठीक है ना, तुम सो जाओ, मैं तुमसे क्या करवा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जो करना है वो मैं करूँगा क्योंकि बिकॉज दिस इज़ माई बॉडी। तो लेंजन बोलते हैं, क्या? तो विंग बोलते हैं, देखो देखो तुम नहीं कर सकते, ओके ये देखो मैं तुम्हारी बॉडी पर मेरा नाम भी लिखा है और जो कि मैंने पहले से ही खुदवा दिया था तुम्हारी बॉडी पर कि ये विंग की बॉडी है, तो डोंट टच दिस बॉडी, ओके। तो लेंजन विंग को देखता है और लेंजन बोलता है, विंग माफ़ करो। विंग बोलता है, चलो अब मेरी बारी, तुमने मुझे बाइट किया, अब मैं तुम्हें बाइट करने वाला हूँ। तो लेंजन बोलता है, मैं तुम्हें करने दूंगा तो ना। तो विंग बोलता है, तुम मुझे मना कर सकते हो क्या? लेंजन बोलता है, हाँ आज तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो विंग बोलते हैं, अच्छा तो फिर ये भी सुन लो लेंजन कि आज तुम भी मेरा रूप देख लोगे कि जब मैं ज़बरदस्ती करने पर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। तो लेंजन बोलते हैं, देखते हैं। और फिर इस तरह लेंजन विंग को डेवल, लेंजन विंग को गुस्से से देखा जाता है और विंग लेंजन को। तो इसमें हमारा सीन कट होता है, हमें 10 मिनट बाद यह सीन दिखाते हैं, लेंजन के जो हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और लेंजन बोलता है, विंग विंग मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे हाथों को खोलो, तुमने मेरे हाथ क्यों बांधे हैं? तो विंग बोलता है, तो तुम्हें तो मैंने कहा था कि मुझसे मत उलझो, तुमने मुझे चैलेंज किया था, तो अब देखो अपने विंग की, अभी तक तुमने विंग का प्यार देखा था, अब तुम विंग की नफरत देखोगे। तो लेंजन विंग को देखता है, विंग जो डेविल स्माइल करता है और विलन की तरह हंस रहा होता है। तो लेंजन बोलता है, विंग क्या तुम पागल हो गए हो? तो विंग बोलता है, हाँ पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ, मुझे आज तुम्हें खाना है। तो लेंजन बोलता है, हाँ? तो विंग बोलता है, हाँ। अब विंग जब अपने हाथों को धीरे धीरे लेंजन के ट्राउजर के करीब कर रहा था और लेंजन जो यही बोलता है, नहीं नहीं विंग, नहीं विंग। और विंग जो स्माइल कर रहा है और इधर लेंजन को तंग कर रहा होता है और लेंजन जो बहुत डरा हुआ होता है और विंग जो इधर लेंजन के फेस का डर देख रहा है और लेंजन को तंग कर रहा है। तो ऐसे में हमारा सीन कट जाता है, हमें अब 9 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। 9 महीने बीत जाते हैं, मम्मा जो रोज़ कैलेंडर में टिक लगाती थी, माँ को पता होता है कि आज 9 महीने पूरे होने वाले हैं। तो हमें ब्रेकफास्ट के टाइम दिखाते हैं कि लेंजन और विंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मामा जो उनके साथ बैठी थी, मामा बोल रही थी, लेंजन और विंग तुमको याद है ना कि आज 9 महीने पूरे होने वाले हैं? तो लेंजन बताए, हाँ मामा आज सुबह ही डॉक्टर का फ़ोन आया था। तो मामा बोलते हैं, तो क्या बोला डॉक्टर ने? तो लेंजन बताए कि 1 वीक और वेट करना पड़ेगा। तो मामा बोलती है, ओके। तो फिर लेंजन अभी ऑफिस के लिए चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो मामा जो जाती है कैलेंडर पर टिक मार्क लगा देती है और फिर मामा कैलेंडर को देख रही होती है तो आज 9 महीने पूरे हो गए होते। तो फिर मामा बोलती है, बस 1 वीक और। तो फिर इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं, मामा जो वेट कर रही होती है। तो फिर 1 हफ्ता गुजर जाता है, मामा फिर से लेंजन को बोलती है, लेंजन बोलता है, हाँ मामा मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने वेट करने को बोला है। तो मामा जो परेशान होती है धीरे धीरे, मामा जो फिर टेंशन में होती है और बोलती है, कहीं ये लोग मुझे झूठ, लेंजन और विंग मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे थे? मामा ये सोचने लग जाती है और अपसेट रहने लग जाती है। तो लेंजन और विंग जो एक दिन ऑफिस से आते हैं तो विंग देखता है कि मामा अपसेट बैठी हुई है और लेंजन और विंग को देख कर खुश भी नहीं हुई। तो विंग जाता है मामा को, मामा के पास और बोलता है, मामा क्या हुआ? तो मामा बोलती है, विंग मुझे टच मत करो, तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला। तो लेंजन और विंग शौक में जाते हैं, लेंजन और विंग बोलते हैं, क्या हमने क्या झूठ बोला? तो मामा बोलती है, तुम लोगों ने मुझे झूठ बोला कि हमारा बेबी होगा 9 महीने बाद, 9 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, बेबी कहाँ है विंग? और फिर मामा लेंजन को देखती और बोलती, कहाँ है लेंजन बेबी? तुम दोनों मुझे झूठ बोल रहे थे इतने दिनों से, तुमको पता है ना कि अब मैं नाराज़ हो गई, तो मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं राज़ी होने वाली हूँ, मैंने इतना वेट किया है। तो इसी में कॉल आ जाती, तो लेंजन देखता है, तो लेंजन फिर कॉल अटेंड करता है और साइड में चला जाता है। और विंग जो मामा को बताए, मामा हमने झूठ नहीं बोला है, सच में
हमें बस डॉक्टर ने वेट करने को बोला है। तो मामा बोलते हैं तो बेबी कहाँ है लेंस विंग? तो लेंस विंग बोलता है हमें वेट करने को बोला है मामा। तो इसी में लेंजन आ जाता है, लेंजन स्माइल करता है, लेंजन बोलता है मामा विंग डॉक्टर का फ़ोन था। तो विंग और मामा जो लेंजन को देख रहे थे इसे हमारा सीन कट होता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि मामा लिविंग रूम में खड़ी है, लिविंग रूम में टेंशन की वजह से फिर रही है, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट फिर रही है, और टाइम को ही देख रही है और बोल रही है कि कब आएंगे लेंजन और विंग, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। और फिर इसी में कार की आवाज़ आती है, तो मामा जो देखती है कि कार आ गई, तो मामा भागते हुए जाती है गेट के पास। जब मामा देखती है लेंजन और विंग गाड़ी से कार से उतरते हैं और इन दोनों की गोद में एक एक बेबी होता है, तो मामा ये देखकर शॉक में हो जाती है। और फिर मामा जितनी खुश हो जाती है और लेंजन और विंग जो आते हैं मामा के पास और मामा की गोद में उन दोनों बेबी को दे देते हैं, और मामा जो बहुत अच्छे से उन दोनों को पकड़ लेती है अपने हाथों में। और लेंजन और विंग शॉक में होते हैं और बोलते हैं देखो हमसे एक एक नहीं उठाया जा रहा था, मामा ने दोनों कितने अच्छे तरीके से उठा लिए। और विंग यही सोच रहा होता है। तो फिर मामा जो उन बेबीज़ को देख रही होती है बहुत खुश होती है। तो हमारा सीन कट होता है, हमें लिविंग रूम का सीन दिखाते हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं और मामा की गोद में एक बेबी है और एक बेबी लेंजन की गोद में है, विंग जो मोबाइल चला रहा है। तो मामा बोलती है अब हमें इनका नाम रखना होगा। तो फिर मामा बोलती है मुझे ज़रा बताओ तो कि इसमें से विंग का बेबी कौन सा है और लेंजन का बेबी कौन सा है। तो विंग बोलता है मामा क्या विंग का बेबी और लेंजन का बेबी, ये दोनों हमारे बेबी है। तो मामा बोलती है दोनों तुम दोनों के कैसे हो सकते हैं, तुम दोनों तो लड़के हो ना तो अलग अलग बेबी होंगे ना तुम दोनों के। तो विंग बोलते हैं हाँ अब। तो फिर लेंजन बोलते हैं ओके वेट करो मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। तो डॉक्टर को फ़ोन करता है लेंजन, डॉक्टर को फ़ोन करता है लेंजन, डॉक्टर से पूछता है फिर डॉक्टर मेरा बेबी कौन सा है और विंग का बेबी कौन सा है। तो डॉक्टर बोलता है जिसकी हाथ में ब्लू कलर की पट्टी है वो लेंजन का है और जिसके हाथ में पिंक कलर की है तो वो विंग का है। तो जब बेबीज़ को देखते हैं तो एक बेबी के हाथ में जो ब्लू कलर की थी, तो मम्मी लेंजन बोलता है हाँ हाँ डॉक्टर। फिर लेंजन जब देखता है तो डॉक्टर की बात ठीक होती है, बाकायदा बच्चों के हाथों में एक पट्टी सी बांधी हुई होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये बेबी किसका है। तो लेंजन बोलता है डॉक्टर हमें पता चल गया है, थैंक यू। और फिर लेंजन जो मोबाइल बंद कर देता है और फिर लेंजन आता है और बोलता है मामा ये देखिए ना सामने ही तो आपके लिखा हुआ है, ये देखिए इनके हाथ में जो पट्टी बंधी हुई है ना उसी में लिखा हुआ है कि इनके फादर कौन है। तो मामा देखती है तो मामा की गोद में जो बेबी था तो वो विंग का था। तो मामा देखती है बोलती है ये विंग का बेबी है, तो मामा जो उसको बहुत प्यार करती है। और फिर विंग की गोद में जो बेबी था वो लेंजन का था, तो मामा बोलती है ये लेंजन का है। तो फिर मामा जो विंग से भी वो बेबी ले लेती है और बहुत प्यार करती है, मतलब मामा बहुत खुश होती है कि मेरे बच्चों के बच्चे आ गए, मामा जो इतने साल अकेले थी अब मामा इन बच्चों के साथ खुश रहेगी। तो फिर मामा बोलती है तो अब इनका नाम रखो। तो फिर मामा लेंजन को बोलती है लेंजन बताओ तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे। तो लेंजन बोलता है मैं अपने बेटे का नाम। तो फिर लेंजन बोलता है मामा आप ही रख दो मेरे बेटे का नाम। तो फिर मामा बोलती है ठीक है। तो फिर मामा विंग को बोलती है विंग तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे। तो विंग जो मोबाइल ही चला रहा था विंग बिल्कुल भी नहीं देखता है और बोलता है मामा आप ही रख दो। तो मामा देखती है कि विंग बिल्कुल भी बच्चों पर फोकस नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मामा बोलती है विंग ज़रा इस बेबी को पकड़ो। तो विंग बोलता है मामा मैं मोबाइल चला रहा हूँ ना मुझे गेम खेलना है। तो मामा बोलती है विंग अपने बेबी को संभालो। तो विंग बोलते हैं क्या। तो मामा बोलती है तो तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूंगी। तो विंग बोलता है बट आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूंगी। मामा बोलती है हाँ मैं तब तक संभालूंगी जब तक तुम ऑफिस में होगे, रात ये बेबीज तुम्हारे के पास होंगे। तो विंग लेंजन को देखता है लेंजन विंग को। तो विंग बोलता है मामा ये दोनों रात को रोएंगे। तो मामा बोलती है तो ठीक है ना मैं तुमको बता दूंगी कि जब ये लोग रोएंगे तो इनके साथ क्या करना चाहिए, इनको फीडर बना के देना है और इनके पैंपर्स चेक करने हैं, डटी हुए तो वो क्लीन करने हैं। तो विंग बोलता है क्या। और विंग जो इतना अजीब सा मुंह बना लेता है और बोलते मुझे इनके पैंपर भी चेंज करने, मुझे इन दोनों के पैंपर भी चेंज करने होंगे। तो मामा बोलती है तो ये तुम्हारे बेबी है और मैंने इन दोनों के नाम भी रख दिए हैं। तो विंग जो बच्चों को ही देख रहा था और बच्चे जो सोए हुए थे, विंग को अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी प्यार नहीं आ रहा था क्योंकि विंग अपने ऑनलाइन के बीच का ये इन दोनों को अपने ऑनलाइन के बीच का एक कांटा ही समझ रहा था। विंग ये सोच रहा था कि इन दोनों की वजह से मैं लेंजन को प्यार नहीं कर पाऊँगा, लेंजन मुझे प्यार नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दोनों रात को रोएंगे। तो विंग जो यही सोच रहा था। तो फिर मामा बोलती है मैंने इन दोनों का नाम रख दिया है, लेंजन के बेटे का नाम ईबो होगा। तो लेंजन बोलता है क्या ईबो। तो मामा बोलती है हाँ। और फिर मामा बोलती है विंग के बेटे तो फिर मामा बोलती है विंग के बेटे का नाम जैन होगा। तो
विंग बोलता है क्या जैन, तो मम्मा बोलती है हाँ एक का नाम इवो और एक का नाम जैन। तो विंग विंग लेंजन को देखता है और विंग बोलता है ठीक है नाम तो अच्छे है। लेंजन भी बोलता है हाँ नाम अच्छे है। फिर लेंजन आता है मम्मा के पास और बोलता है जो आपकी मर्जी, आपको इनके नाम जैसे रखने हैं आप वैसे ही रखिए ठीक है। तो मम्मा बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों के बेबी हैं, अब मुझे जल्दी से इनके ब्लड रिपोर्ट दिखाओ। तो लेंजन और विंग शॉक में हो जाते हैं। तो लेंजन बोलता है मम्मा क्या आपको हम पर ट्रस्ट नहीं है? तो मम्मा बिल्कुल बोल देती है साफ सुथरा, मम्मा बोलती है हाँ मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं है, जल्दी से इसके ब्लड रिपोर्ट मुझे दिखाओ। तो लेंजन विंग को बोलता है विंग तुमने रिपोर्ट कहाँ रखी है? विंग बोलता है कार में सबर लाता हूँ। अब विंग जाता है ब्लड रिपोर्ट लेकर आता है और मम्मा को दिखाता है, बोलता है ये लीजिए मम्मा ये हमारी रिपोर्ट है और ये हमारे बेबी की रिपोर्ट है, और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप थोड़े से ये लोग बड़े हो जाए तो आप इनके और हमारे ब्लड टेस्ट भी कर सकते हो, ये लोग पूरी तरीके से हमारे ही हैं। तो मम्मा खुश हो जाती है, मम्मा बोलती है टेस्ट तो मैं ज़रूर करवाऊँगी, ये मत सोचना कि मुझे तुम लोगों पर यकीन है, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी करोगे। तो विंग बोलता है मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। तो मम्मा बोलती है हाँ हाँ मैं तुम दोनों को जानती हूँ। तो इसी में जो एक बेबी रोने लग जाता है तो मम्मा देख रही होती है, तो फिर मम्मा हाथ में जो वो बेबी के हाथ में जो पट्टी बंधी हुई होती है तो मम्मा उस पट्टी को रीड करती हैं। तो फिर मम्मा बोलती है ओहो मेरा इवो रो रहा है। तो मम्मा जो उस पट्टी से समझ जाती है कि ये लेंजन का बेटा है। तो फिर मम्मा बोलती है ओहो मेरा इवो रो रहा है चलो। और फिर मम्मा जो इवो को लेंजन के गोद में दे देती है और जैन को विंग के गोद में और बोलती है मैं इनके लिए फिडर बना के लाती हूँ। अभी मम्मा जाती है फिडर बनाने और लेंजन जो इवो को चुप करा रहा होता है और बोलता है चुप हो जाओ और लेंजन को जो तरीका नहीं आ रहा होता है तो विंग देख रहा होता है कि इवो कब से रो रहा है। तो विंग बोलता है लेंजन तुम खड़े हो जाओ इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाओ क्या पता ये चुप हो जाए। तो लेंजन फिर हिलाता है थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है तो वो इवो जो चुप हो जाता है, बट जैसे ही लेंजन रुक जाता है तो इवो फिर से रोने लग जाता है। तो फिर लेंजन विंग को देखता है और फिर विंग बोलता है ये रात को भी ऐसे ही रोएगा? तो लेंजन बोलता है नहीं नहीं इसको हम फिडर बना के देंगे ठीक है ना। तो फिर मम्मा जो भागते हुए आती है और मम्मा ने जो पहले से ही बेबीज़ का सारा सामान मंगवा लिया था तो मम्मा जो फिडर बना के आ रही होती है और जैसे ही इवो के मुँह में दे देती है फिडर तो इवो जो फिर कर रहा होता है। तो लेंजन जो सुकून में हो जाता है और बोलता है मम्मा ये तो इतना रो रहा था। तो मम्मा बोलती है हाँ बेबीज ऐसे ही रोते हैं तो तुम लोगों को इनकी बहुत केयर करनी होगी। तो लेंजन बोलता है मम्मा हमें करनी होगी? तो मम्मा बोलती है तो क्या मैं करूँगी? तो लेंजन बोलता है मम्मा हमें कहाँ बच्चे संभालने आते हैं? तो मम्मा बोलती है सॉरी लेंजन बट तुम लोग को संभालने पड़ेंगे नहीं तो फिर तुम लोगों को फादर की फीलिंग कैसे आएगी, तुम लोग फिर इनकी इनसे प्यार कैसे कर पाओगे जब तक तुम लोग इनकी केयर नहीं करोगे, तो इसीलिए मुझे तुम लोगों को ये सौंपने होंगे रात को ताकि तुम लोग इनसे ताकि तुम लोगों को फील हो कि बेबीज किसको कहते हैं। तो लेंजन बोलता है मम्मा अगर ये रात को बहुत रोने लगे तो? तो मम्मा बोलती है मैं हूँ ना अगर बिल्कुल भी चुप नहीं होने लगे तो मुझे बुला देना ठीक है। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर अचानक से विंग के बेटे को रोने लगे अचानक से विंग का बेटा रोने लग जाता है। तो विंग जो शॉकिंग नज़र से उसको देख रहा था तो वो जो बहुत ज़ोर से रो रहा था तो विंग बोलता है मम्मा ये भी रो रहा है। तो मम्मा बोलती है ओके ओके वेट करो मैं अभी फिडर बना के लाता हूँ मैं अभी फिडर बना के लाती हूँ। और मम्मा जो जाती है भागते हुए किचन में और विंग जो उसको चुप करा रहा था वैसे ही जैसे लेंजन चुप करा रहा था तो विंग जो बहुत ज़्यादा हिला रहा था तो वो बेबी और ज़्यादा रो रहा था। तो विंग फिर मम्मा को बोलते हैं मम्मा जल्दी करो। तो फिर मम्मा जो फिडर लेकर आ रही होती है और जैसे ही फिडर उस बेबी के मुँह में देती है तो वो फिर तो कर लेता है बट वो फिर भी चुप नहीं होता है वो रो रहा होता है। तो मम्मा बोलती है ओह मेरे ख्याल में ये इसकी डायपर चेंज करना होगा। और फिर मम्मा जो जैन को विंग की गोद से ले लेती हैं और बेबी को सोफे पे लिटा देती है मम्मा और फिर उसके डायपर ओपन करती है। तो विंग जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है क्योंकि उस बेबी ने डायपर गंदा कर दिया था। तो मम्मा बोलती है विंग ये रात को इस तरह डायपर गंदा करेगा ना तो तुम्हें इसको इस तरह क्लीन करना है और फिर दूसरा टाइप डायपर उठाकर इसको इस तरह पहनाना है ओके। तो विंग बोलता है और ये सब मैं अपने इन हाथों से करूँगा। तो विंग ने जो मुंह बनाया होता है तो मम्मा बोलती है ऑफकोर्स तुम्हें ऐसे हाथों से करना है देखो मैं भी कर रही हूँ ना अपने ऐसे हाथों से फिर अपने हैंड वॉश कर लेना तो क्लीन हो जाएगा सब कुछ। तो विंग जो लेंजन को देखता है और विंग जो मुँह बना लेता है और विंग को जो वॉमिट आ रही होती है तो मम्मा बोलती है विंग तुम्हें अपने बेटे से वॉमिट आ रही है। तो विंग हंसना कहता है बोलते नहीं नहीं वॉमिट नहीं आ रही मम्मा पहली बार देख रहा हूँ ना। तो मम्मा बोलती है ये मैंने अभी क्लीन किया अगला डायपर तुम पर चेंज करवाऊँगी। तो विंग बोलते हाँ तो मम्मा बोलती हैं हाँ। तो विंग लेंजन एक दूसरे को देख रहे थे अब वो बेबी
जैसे ही डायपर चेंज हो जाता है तो जैन जो सो जाता है, मतलब जैन चुप हो जाता है। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें विंग ओलेंजन का रूम दिखाया जाता है। विंग ओलेंजन के बेड पर जैन और ईवो लेटे हुए थे और लेंजन और विंग खड़े थे, उन दोनों को देख रहे थे। और विंग बताए लेंजन अगर ये बहुत ज़्यादा रोने लगे तो लेंजन बताए फिर मम्मा है ना, मम्मा से हेल्प मांगेंगे। पर तुम टेंशन मत लो विंग, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ इस बेबी को संभालूंगा। तो विंग बोलता है ओके, और फिर विंग आता है अपनी जगह पर लेट जाता है और लेंजन अपनी। तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बेबी थे, तो विंग बेबीज़ को देख रहा था क्योंकि दो बेबीज़ के बाद ही विंग का लेंजन था, मतलब विंग को लेंजन के पास जाने के लिए अभी इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो विंग जो बच्चों को देखता है और विंग जो मुँह बना लेता है और बोलता है मम्मा को भी ना बेबीज़ चाहिए थे, अब मैं अपने लेंजन के पास कैसे जाऊँगा, और अगर मैं गया और ये लोग जाग गए तो मैं जो यही सोच रहा था, और ये लोग जाग ना जाए, मतलब बेबीज जाग ना जाए, इस तरह से जो विंग लेंजन के पास नहीं जाता है और विंग जो अपसेट होकर सो जाता है। और विंग जो बहुत अपसेट था तो ऐसे में अचानक से विंग को कोई हक कर लेता है। तो विंग जब अपनी आँखें खोलता है तो लेंजन जो विंग के पास से लेटता है, और विंग को जैसे ही लेटता है विंग को हक कर लेता है। विंग देखता है तो विंग थोड़ा सा अपने आप को घसीटता है और साइड में करता है ताकि लेंजन को जगह मिल जाए। तो लेंजन बताए विंग ठीक हूँ मैं, और आगे मत जाओ, नहीं तो अगर बेबी से टच हो गए तो बेबी जाग जाएंगे। तो विंग बोलते हैं हाँ, विंग शॉक में जाता है और फिर विंग जो आगे नहीं जाता है, लेंजन को टाइट करके हक कर लेता है और लेंजन सही चिपका हुआ था। तो फिर विंग बोलता है लेंजन एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम इसी तरह सो जाओगे, तुम्हें पता है ना तुम्हें हक के बगैर मुझे नींद नहीं आती। तो लेंजन बोलता है मुझे पता है तभी तो मैं आया। तो विंग स्माइल करता है और फिर विंग बोलता है आई लव यू लेंजन, और लेंजन बोलता है आई लव यू टू। और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का हक करके जैसे ही अपने आँखें बंद करते हैं तो लेंजन जो भी विंग को फॉरहेड पे किस करता है, और विंग फिर अपनी आँखें खोलता है और अपना फेस ऊपर करता है लेंजन को देखता है। और फिर विंग जो लेंजन को किस करने के लिए जैसे ही अपना फेस लेंजन के लिप के करीब करता है और जैसे किस करने वाला होता है कि अचानक से ईवो उठ जाता है और ईवो रोने लग जाता है। तो विंग जो शॉक में हो जाता है।